मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। उमादत्त शुक्ला और सुधीर मुखर्जी दादा, इनमें बातचीत हो रही है और उमादत्त शुक्ला महाराज जी के दरबार के बारे में बताते हैं। दरबार तो चर्चलेन में बहुत लगे, लेकिन यहाँ के अलावा भी जहां जहां दरबार लगते हैं महाराज जी का, जहां बैठ जाते हैं वहीं दरबार लग जाता है, तो उन दरबारों में बात क्या क्या होती है और उन बातों का अर्थ क्या होता है, महाराज जी कैसे सहायता करते थे, ये सब चीजें दादा उमादत्त शुक्ला से पूछते हैं। उमादत्त शुक्ला से पूछते हैं कि संत से आप क्या 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 प्राप्त कर सकते हैं। उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि संत से वो प्राप्त किया जा सकता है जो सैकड़ों वर्षों की जन्म जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। पता है क्योंकि जो तपस्वी आपके सम्मुख बैठा है और अगर वो कृपा करने पर आ जाता है और आप उनसे अपनी बात ऐसे रखते हैं जिसमें सार्वजनिक हित की भी बात छिपी है, तो संत बहुत प्रसन्न होते हैं। बल्कि होता क्या है, जो लोग आते हैं वो कभी अपनी नौकरी का रोना रोते हैं, कभी अपनी कन्या के विवाह का रोना रोते हैं, कभी किसी से झगड़ा है, कभी कोई एक मुकदमा है वो जीत जाए, ऐसी बातों पर समय खराब करते हैं। व्यापारी लोग आते हैं, वो कहते हैं फैक्ट्री नहीं चल रही है, ये लोग परेशान किए हुए, हमारा ब्रांड चल जाए, है ना। कोई ना कोई जो कुछ भी आता है वो सामान्यतः अपनी उलझनों से उलझा हुआ है और वही मांगता है। अपवाद स्वरूप कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो महाराज जी कहता है हमसे पाप हो गए हैं जिंदगी में, हम अब पश्चाताप करना चाहते हैं, महाराज जी हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाए, महाराज जी हमें ऐसी कृपा कर दो जिससे हमारे जीवन के पुण्य बढ़ जाए। ये बहुत कम लोग आते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग, संसारिक चर्चा ज्यादा होती है। महाराज जी क्या करते हैं, महाराज जी सहायता कैसे करते हैं, महाराज जी उन पर बड़ी महती कृपा करते हैं जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, जो कृपा मांगते हैं, दया की दृष्टि मांगते हैं। और जब दया की दृष्टि भगवान की भक्ति पर पड़ जाती है तो आप ये समझ लीजिए उसके तो सारे काम बनने हैं। आप आए थे कोई एक काम छोटा सा लेके आए थे, इन सब कन्या का विवाह हो जाए, तो कन्या का विवाह हो गया। उमादत्त शुक्ला दादा से कहते हैं कि हर एक आदमी आता है अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का रोना रो जाता है, लेकिन जो महाराज जी जिन पर एक ऐसी दया की दृष्टि पड़ जाती है, जो अध्यात्मिक यात्रा की बात कर जाते हैं, जो अपने जप तप की बात करते हैं, जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की बात करते हैं, वो जो लेके जाते हैं वो कोई लेके नहीं जा पाता, क्योंकि सभी लोग संसारिक अगर यात्रा में हैं, संसार में जीवन जी रहे हैं, तो कोई ना कोई समस्या है और एक व्यक्तिगत समस्या लाके उसका हल कर लेते हैं, वो समझते हैं हमने संत से बहुत कुछ ले लिया। बल्कि होता क्या है, सुनते महाराज जी सबकी सुनते हैं दरबार में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि साहब इस व्यक्ति को उन्होंने ये मांगा और उसको ये भी दे दिया वो भी दे दिया, क्या बात है, एक चीज मांगोगे एक मिलेगी, है ना। मांगने का तरीका नहीं साहब हमारी कन्या का विवाह हो जाए, साहब ठीक है हो जाएगा चिंता मत करो, कतई 6 महीने में हो जाएगा, हो गया शादी, है ना। और अगर ये मांग ले कि महाराज जी हम पर कृपा करो, दया दृष्टि करो, अपने सानिध्य में हमें बिठाए रखो, बताओ भैया पर चाहे तुम शादी करो, व्यापार करो, चुनाव लड़ो या जो कुछ भी करो, सब सानिध्य है महाराज जी का, महाराज जी कह रहे सानिध्य में, है ना। देखिए पात्र आपका कैसा है, पात्र छोटा है तो थोड़ा आएगा, पात्र बड़ा है तो ज्यादा आएगा, और पात्र की क्वालिटी भी देखेंगे, पात्र है ऐसा जिसमें डाल दें। मान लीजिए आपको जल चाहिए और पात्र एकदम बहुत गर्म है, है ना, गर्म है तो उसमें जैसे जल डालोगे तो वो तो भाप बन जाएगा, है ना। तो कितना
देना है, कैसे देना है, ये सब चीज निर्धारित होती है संत प्रवृत्ति पर। तो महाराज जी के पास जो लोग आते हैं उनसे इसी तरह की महाराज जी बात करते हैं। और आपको सच में बात बता दें, उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि बहुत से लोग तो भोजन, धन, समय, शक्ति आदि सबका नष्ट आके करते हैं, कोई बात ही नहीं कर पाते। बैठे महाराज जी के पास हैं और बातें चुनाव की हो रही हैं, बैठे महाराज जी के पास हैं बातें गांव की हो रही हैं। ऐसे भक्त भी आते हैं, ऐसे में वो अपना कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो पाते। प्राप्त तो तब होगा ना जब आप जहां आए हो उससे सीधा संबंध बनेगा। संत का अगर सानिध्य मिलता है तो सब कुछ छोड़ दीजिएगा, अपनी आध्यात्मिक बात करिएगा, अपने अपने हिसाब से आप अपना काम करिएगा। और जब आप सांसारिक, मैं ये नहीं कहता कि संत से अपनी बात नहीं रखो, लेकिन बात आप जब रखें तब कैसी रखें, बड़े बृहद स्तर पर, है ना। महाराज जी से अगर ये मांग लिया जाए कि महाराज जी आप हर पल मेरे साथ रहें, बताइए साहब आपका कौन सा काम बिगड़ सकता है। तो महाराज जी तो वहां बैठे ही हैं और दरबार में जो लोग आते हैं, लोग अभिलाषित चीज को प्राप्त करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं हो पाती है। बहुत कम लोगों को ने ये जान पाया। और मैं आप तो साफ बता रहा हूं कि जब कभी आपको किसी संत का सानिध्य मिले तो व्यक्तिगत छोटी सी बात में ही मत सिमट कर रह जाइएगा, क्योंकि कल्प तरु के पास जाओ तो ऐसा मांग के लाओ, एक बार मांगो तो सारा काम हो जाए, है ना। मेरा निवेदन ये है कि आप के लिए ये संदेश है, और जिस तरह से महाराज जी सबकी सहायता किया करते थे, सब पर कृपा बरसाते थे, तो उन कृपा पात्रों में जिन्हें अवसर मिला उनसे मिलने का, उनके सानिध्य में रहने का, उनके सानिध्य में बैठने का और अपनी बात कहने का, तो महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। परंतु दादा एक बात कहते हैं कि शुक्ला जी, ऐसे लोग महाराज जी से क्या क्या मांग सकते थे, क्या क्या ले सकते थे, इन्होंने अपना मौका खो दिया। मौके की बात होती है ना, आप अगर अवसर आया है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं और भगवान से आपकी मुलाकात हो गई है, तो फिर कर लीजिए बातें। और ये भी सच है कि आज मुलाकात हुई है, हो सकता है फिर ना हो। और ऐसे संत का सानिध्य लोगों ने पाया और वो नहीं प्राप्त कर पाए जो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उमादत्त शुक्ला दादा और बहुत सारे नाम हैं, ये दो लोग चर्चा कर रहे हैं इसलिए इनका नाम ले लिया, इनके जीवन सफल हो गए, इनको भव सागर से पार करने का आशीर्वाद महाराज जी दे गए, है ना। तो आपको भी जब कभी महाराज जी के दर्शन हो तो कोई छोटी सी बात मत मांगना, पहले से विचार कर लेना, दर्शन भी होंगे और अगर कृपा मांग ली, कृपा रह गई आप पर, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।